ये देखिए भाई गंदगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज की जो ब्लॉग होने वाला है काफ़ी अलग यूनिक होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप लोग थंबनेल देखते तो पता चली गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो हाँ, आज हम लोग जो है भिवंडी झोपड़पट्टी आप लोग को पूरा दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लगी तो, और कमेंट भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। I think about you every day and night. A million reasons why I can't get you out my mind. I wish that I could just rewind the time. 'Cause every time I look around, you're never there. You're never there, there, there. तो मैं कहीं गिर ना जाऊँ, ये देखिए कितना पतला रास्ता है। यहाँ पे जो भाई हमेशा जो है पानी का गिरा रहता है, देखिए जो पानी का पाइप और यहाँ भी पानी भी काफ़ी मतलब हिला रहता है, हमेशा कभी सूखा नहीं रहता। जब तक आप लोग देखा ना, वो भंडारी की जो झोपड़पट्टी थी, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा नाना पार झोपड़पट्टी में, तो आप लोग को दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे रहते इंसान रहते हैं लेकिन फिर भी गंदगी देखिए, वही लोग रहते हैं, वही लोग कचरा फेंकते हैं, ऐसा नहीं कोई दूसरा आके मोहल्ले का फेंक देता आता है। देखिए सब पूरा घर है, यहाँ सब रहते हैं और ये वहाँ से सब फेंकते कचरा, ये देखिए पूरा पूरा कचरा कचरा है। तो भाई क्या बोले इन लोगों को, इन लोगों को खुद दिमाग रहना चाहिए, हम लोग रहते हैं यहाँ पे है, ये थोड़ा सा मैदान है, मतलब आप जहाँ खा रहे हो वहीं कचरा करना सही बात है। अपना काम करेगी म्यूनसिपाल्टी वाले और भी सब कचरा तो साफ करेंगे, लेकिन आप जो है वहीं पे रहते हो, उसी बिल्डिंग में जा रहते हो, आप उसी बिल्डिंग से कचरा जो डायरेक्ट नीचे फेंकोगे तो कहाँ जाएगा, वो आपके घर के सामने ही गिरेगा ना।
तो आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग सफाई में साथ दें, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप तो बात सुने होंगे ना, तो एक कदम जो स्वच्छता की बढ़ाई है, और अपने मोहल्ले, अपने गली और अपने घर को साफ में रखें, ताकि जो सफाई से ना वो गंदगी भी एक बीमारी होती है, तो आप लोग उस बीमारी से बचें। तो आप लोग जो कचरा डस्टबिन में डालें और सफाई से बचें। आप लोग को मैंने दिखाया कि सामने जो है घर के दरवाजे के सामने जो गटर बह रही है और जो सब वहीं पर भटे हैं, तो ये सब क्या है यार, ये सब करें। गटर भी खुली है ताकि कोई बच्चा या कुछ भी उसमें गिर सकता है, और फिर भी कोई बात नहीं, लोग अपना हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे देखा मैं हम लोग को गंदगी दिखाया पूरा, क्योंकि वो वहीं रहेंगे, वहीं उन लोगों का काम जो है तमाम हो जाएगा। तो आप लोग गंदगी की तरफ मत बढ़िए, आप लोग अच्छाई की तरफ बढ़िए, कि हमारे गांधी जी ने बोला है एक कदम स्वच्छता की हो। तो आप लोग एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ा के चलें, और उससे क्या आपकी तबीयत भी फ्रेश रहेगी, और आपका जो माहौल, आपका जो है घर, आपका जो जो भी आपका है, सब चीज़ सुरक्षित रहेगा। तो चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।